हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोग को कोई भी डाउट्स है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंट्स, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप लोग को आंसर वहाँ मिल जाएगा। और अगर आप लोग को इसके इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आर्क इलास्टिसिटी का हम लोग का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय P1 माइनस P2 इंटू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2। तो ये P1, P2, Q1, Q2 है क्या? P1 हम लोग का ओल्ड प्राइस है, P2 हम लोग का न्यू प्राइस है, Q1 हम लोग का ओल्ड क्वांटिटी है और Q2 हम लोग का न्यू क्वांटिटी है। तो हम लोग का बहुत ही इजी तरीके से आपका प्राइस इलास्टिसिटी निकल गया। कैसे? ओल्ड प्राइस प्लस न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस इनटू ओल्ड क्वांटिटी माइनस न्यू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी प्लस न्यू क्वांटिटी। तो ये हम लोग का आर्क इलास्टिसिटी है। अब इम्पॉर्टेंस और फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ये सब क्या है, इसका हम लोग रूल देख लेते हैं। ग्रेटर चेंज इन डिमांड, अगर डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा तो वो एक इलास्टिसिटी डिमांड को फॉर्म करेगा, और अगर ग्रेटर चेंज इन प्राइस होगा तो वो इन इलास्टिक डिमांड को फॉर्म करेगा। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, मेनी सब्सटीट्यूट्स इलास्टिक डिमांड, लेस सब्सटीट्यूट इन इलास्टिक डिमांड। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, स्मॉल प्रपोर्शन इन इलास्टिक डिमांड, ग्रेटर प्रपोर्शन इलास्टिक डिमांड। नंबर ऑफ यूजेस ऑफ ए कॉमोडिटी, ग्रेटर नंबर ऑफ यूज हाईली इलास्टिक, लेसर नंबर ऑफ यूज इन इलास्टिक डिमांड। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, इफ कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन्डेड इलास्टिक, इफ कंजम्पशन कैन नॉट बी पोस्टपोन्डेड इन इलास्टिक। हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स, हाईली हैबिचुअल प्रोडक्ट्स इन इलास्टिक, लेस हैबिचुअल प्रोडक्ट्स इलास्टिक। नाउ इनकम इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी क्या है? सेम एज प्राइस इलास्टिसिटी, जहाँ पे हम लोग का कोई भी कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रहा था, क्योंकि किसी और कमोडिटी का प्राइस चेंज होने की वजह से, यहाँ पे भी सेम है। अगर किसी कंज्यूमर का इनकम चेंज होगा तो उसका उस कमोडिटी को लेकर के डिमांड भी चेंज हो सकता है। इट इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। नाउ इनकम इलास्टिसिटी का हम लोग का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब इसके थ्री टाइप्स है, पॉजिटिव इनकम इलास्टिक, नेगेटिव इनकम इलास्टिक और जीरो इनकम इलास्टिक। पॉजिटिव इनकम इलास्टिक क्या है? जहाँ पे जो वैल्यू है इनकम इलास्टिसिटी का वो ग्रेटर देन जीरो रहता है। नेगेटिव जहाँ पे कम रहता है, यानी लेस देन जीरो रहता है। और इक्वल्स टू जीरो, यानी इनकम इलास्टिसिटी हम लोग का इक्वल्स टू जीरो रहेगा। ओके, तो अब हम लोग का आ रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? इट इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ रेट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉमोडिटी एक्स ड्यू टू रेट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी वाई इज नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। ओके गाइस, तो इसका फॉर्मूला क्या है? क्रॉस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग का डिमांड चेंज हो रहा है कॉमोडिटी एक्स के, एक कॉमोडिटी है एक्स, उसके लिए हम लोग का डिमांड चेंज हो रहा है, क्यों उसके लिए हम लोग का डिमांड क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि कॉमोडिटी वाई जो है उसके लिए उसका प्राइस चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग का एक्स के लिए डिमांड चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी, अगर टी का दाम बढ़ जाएगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली कॉफ़ी में शिफ्ट कर जाएंगे, और अगर कॉफ़ी का दाम बढ़ जाएगा तो हम लोग ऑटोमेटिकली टी में शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये होता है हम लोग का क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। अब इसके भी थ्री टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी और जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। और पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी हम लोग का जीरो से ज़्यादा होता है, यानी वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, और नेगेटिव में लेस देन जीरो होगा, और जीरो इलास्टिसिटी में इक्वल्स टू जीरो होगा।
नाउ पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कॉमोडिटी ऑफ प्राइस ऑफ अनदर कॉमोडिटी शुड मूव इन सेम डायरेक्शन, बोथ द कॉमोडिटीज शुड बी रिलेटेड। तो क्या बोल रहे हैं कि जो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कॉमोडिटी, मतलब अगर कोई भी एक कॉमोडिटी का क्वांटिटी डिमांड में चेंज हुआ है तो ज़रूरी है कि उसका सेम मतलब जो कोई भी अनदर कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज हुए, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड का मैंने एग्जांपल आप लोग को अभी बताया, टी एंड कॉफ़ी। नाउ नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कॉमोडिटी एंड प्राइस ऑफ अनदर कॉमोडिटी वुड मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बोथ द कॉमोडिटीज शुड बी रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री गुड प्राइज इलास्टिसिटी इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हम लोग का सॉरी मैंने पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी में आप लोग को एक चीज़ बताना भूल गई कि हम लोग का जो प्राइस है और जो डिमांड है वो एक डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफ़ी का भी डिमांड बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है कि प्राइस और डिमांड एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी डायरेक्टली रिलेटेड है प्राइस और क्वांटिटी। लेकिन जो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है उधर ऐसे नहीं है। जैसे पेट्रोल एंड कार, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो आप लोग ऑफकोर्स कार का मतलब कार लोग कम खरीदेगा। एक तरीके से ले लेते अगर कार के दाम बढ़ गए तो आप लोग पेट्रोल नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हम लोग कार नहीं खरीदेंगे। तो ये क्या हो रहा है, जहाँ पे हम लोग का प्राइस बढ़ रहा है कार का वहाँ पे हम लोग का पेट्रोल का डिमांड घट रहा है। तो यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है, क्वांटिटी नीचे जा रहा है। तो मतलब ये लोग इनडायरेक्ट वे में मूव कर रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी ये दोनों इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये कौन सा इसका एग्जांपल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड दैट इज़ पेट्रोल एंड कार या फिर कार एंड पेट्रोल। और इसका जो वैल्यू होता है क्रॉस इलास्टिसिटी का वो लेस देन जीरो होता है। अब जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कॉमोडिटी ऑफ प्राइस ऑफ अनदर कॉमोडिटी मूव्स इन एनी डायरेक्शन एंड आर अनरिलेटेड गुड्स, फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड इन गन एंड बटर एंड प्राइस एंड क्रॉस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू जीरो। तो क्या बोल रहा है कि जो हम लोग का क्वांटिटी डिमांडेड है कोई भी कॉमोडिटी का और जो प्राइस है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे। अब जैसे गन का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका इफेक्ट आपको बटर में तो नहीं पड़ेगा ना। तो वही अगर मतलब ये दोनों अगर अनरिलेटेड गुड्स हैं, मतलब इन लोगों का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो इक्वल्स टू जीरो होगा क्योंकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा गन का प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, आपको मक्खन का प्राइस उतना ही रहेगा, नमक का प्राइस उतना ही रहेगा, पेन के प्राइस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपका गन का या बुलेट का प्राइस बढ़ जाएगा या घट जाएगा। सो ये हम लोग का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड अकाउंट्स तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।